फेसबुक पे कोई आया है जो है कि ग्रुप वगैरह हैं वो ज्वाइन किए हुए थे वो चेक करने देखने के लिए प्रपोजल वगैरह के लिए सिंगल लुकिंग फॉर होल्डर मैन और ये तो मैंने कई ग्रुप जो है उनको ज्वाइन किया उसमें चेक शेक किया गया तो जिसके बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि सब जो है ना फेक ही है कोई चीज़ इसमें हकीकत नहीं है मेरे जो मैंने अभी तक महसूस किया बाकी अगर किसी और का अच्छा एक्सपीरियंस दूसरा हो तो उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों को कर दी है कि इन चीज़ों में ना घुसिएगा कि ये सब फजूल ही हैं कि एक चीज़ में घुस तो दें तो फिर वो प्रोफाइल किसी की लगी होती है आगे से फिर जब आपको रिप्लाई आता है तो वहाँ से कोई और आती है फिर उससे आप कोई चैट चलेगी तो आप ये पता नहीं या तो मैं इतना क्लेवर नहीं था जिसकी वजह से शायद मैं रह गया जब वो क्लेवर होता हो ज़्यादा तो वो कर जाता हो अदरवाइज जो है ना सब बकवास झूठ है और कुछ भी नहीं है इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी किस्म की जो साइट्स वगैरह जो हैं और डेटिंग वगैरह की और ये वो इन पर तवज्जो ना दें ये सब झूठ है और बकवास है मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जिसकी वजह से एक दफ़ा जो है मेरा मोबाइल जो है वो है स्टक भी हो चुका है और मैंने उसको दोबारा रीस्टोर किया है तो इसलिए काइंडली आपसे भी यही गुजारिश होगी कि इन चीज़ों से दूर रहें कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे बयान कर दिया अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप लोगों को अगर पसंद आता है आप लोग उसे यूज़ करके आप लोग शायद उसे इंजॉय कर रहे हैं या आप लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है तो वो अलग बात है बाकी मैंने अपना आपको बता दिया कि मुझे उससे नुकसान हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ ठीक है बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़।